श्रीमद् भगवद् गीता हिंदू धर्म के सभी पवित्र ग्रंथों में से सबसे ऊपर आता है। भगवद् गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आज के दिन में पूरी दुनिया में प्रचलित है। हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई और धर्मों के लोग इस ग्रंथ का पालन करते हैं। ये हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय ग्रंथ है। भगवद गीता के रचयिता वेद व्यास जी है, जिन्होंने इसमें 18 पर्व अध्याय और 700 श्लोक इस किताब में लिखे हैं। इस किताब में वो सभी बातों को दर्शाया गया है जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश। ये केवल हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कई बुद्धिजीवी का मानना इसमें लिखी गए हर एक शब्द हर मनुष्य के लिए है। ये किसी जाति धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं बल्कि हर धर्म जाति और दुनिया के हर व्यक्ति विषय के लिए है। जब आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपका इस दुनिया के लेकर नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि यह सभी मनुष्यों को सही कर्म करने के लिए अग्रसर करता है। अगर हम कलयुग की बात करें तो कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना कर्म आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। इसी बात का जिक्र इस महाकाव्य में किया गया है। जैसा कि हम सब अवगत हैं, आज के समय हर कोई मनुष्य चिंताओं समस्याओं और तनावों से घिरा रहता है। कभी कभी वह इतना उलझ जाता है कि कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए, ये सोच सोच कर और ज्यादा दुखी हो जाता है, जिससे कई बार वह समझ नहीं पाता कि यह मुसीबत आए तो हम क्या करें, और कई बार नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग तो अपनी जान भी लेते हैं। गीता के अनमोल वचन पढ़कर अपनी सभी प्रकार का समस्याओं का सामना करने में मदद मिलती है और इसके साथ ही आत्मिक शांति मिलती है। इससे मन को शक्ति मिलती है और आप पाने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज के भाग दौड़ के माहौल में उलझनों में होना या तनाव एक आम बात है। ये समस्याएं हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में अपने और परिवार को खुश रखें। तनाव से अपने आप को दूर रखना सबसे जरूरी है। अपने मन को शांत रखें। इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अच्छे लोगों के संगत में रहें और साथ ही धार्मिक किताबों का सहारा लें। भगवद गीता को पढ़ने और उसमें लिखी बातों का अनुसरण करने से जो लोग बुरी राह पर चले जाते हैं उन भटके मनुष्यों को सही राह पर चलने के लिए अग्रसर करता है। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से भगवद गीता कोट्स का बेहतरीन संग्रह आप भी सुने और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी साझा करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों को कम से कम समय में ज्ञानपूर्ण बातें पहुंचाई जाए। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल सनातन लोक आदमी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब आप सभी भगवान कृष्ण की कहे गए कथन और उनके विचार को ध्यान पूर्वक और पूरा सुने। आपको अपने जीवन में सभी समस्याओं से छुटकारा जरूर मिलेगा और आपका जीवन धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा।
इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या चेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है तभी उसे शांति मिल सकती है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दैवीय संप्रदा से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। नरक के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की गतिविधियों,
होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं।
एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से